चलो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे आराम आराम से सुनना छोटे बच्चों की तरह बढ़िया करके। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो साफ सीधी बात इतनी सी, नंबर सिस्टम बहुत ईजी चैप्टर है। इतना कि क्या बताया, सच में बहुत ईजी चैप्टर है नंबर सिस्टम, बहुत ही हद से ज़्यादा आसान। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में। पहला पार्ट आएगा इसका बेसिक वाला पार्ट एकदम, जिसमें हम चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल, रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। बेसिक पढ़ेंगे एकदम। बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, एकदम बेसिक वाला तरीका। अच्छा, इसके बाद हम सीखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। मतलब रैशनल नंबर सीखेंगे। किसको सीखेंगे? रैशनल नंबर को। इस पे आएगा। इसके बाद हम क्या सीखेंगे? जब हम रैशनल नंबर पढ़ लेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, कैसे काम होता है, उस पर थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ठीक है, आराम से बहुत मजे से सीखेंगे, सब हमें समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने, बस ध्यान सुनना। इसके बाद एक टॉपिक आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आएगा एक टॉपिक, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सीखेंगे। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन हम सीख जाएंगे, ठीक है, काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन, ये सिंपल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोले। अच्छा, कंपास कंपास है तुम्हारे घरों में, है ना? एक दिन वो मंगाएंगे और उससे हम अपने सवाल ले जाएंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बड़ा मजा आएगा इसको करने में। एक टॉपिक होगा रैशनलाइजेशन, और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो शायद 8th क्लास में 13 चैप्टर था कुछ ऐसा, इस बार थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा लगेगा बस वैसी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, दिख गया, सब पढ़ना है भाई और मजे से पढ़ेंगे। मैं पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि बेस है ना एकदम, तो 10 दिन तो इसमें लगाएंगे, आराम से सीखेंगे इसको। लेकिन एक बार सीख जाएंगे उसके बाद जिंदगी भर इसमें दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। सही बात है, बढ़िया। ठीक है, कोई कॉपी अभी लिखने के लिए कुछ है? कागज को ये लिख दो यार पहले फटाफट, बाद में उसको चिपका देना उस पर जो भी, अभी नोटबुक आ जाएगी थोड़ी देर में। हो गया इतना? लिखो लिखो, आराम से लिखो, साफ सुथरा आराम से पढ़ो, राइटिंग अच्छी रखना बस। हाँ, पहले पेज में तो अच्छी रखो, जो भी जहाँ भी लिख रहा है अच्छी अच्छी बनाओ। ना तो नहीं लग रहा तुम्हें? ठीक है, फिट ही है।
हो गया, चलिए हैंड डालेंगे आगे लिखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, हैंड डालो टाइप्स ऑफ नंबर, पहले इसी को पढ़ते तमीज से। चलिए ध्यान सुनना बेटा, कोई चीज समझ में ना आए पूछना है, ठीक है आराम से पूछना, मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको स्टार्टिंग से, छोटे नंबर से एकदम रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? रैशनल नंबर, ठीक है लिखो रैशनल नंबर। सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ नंबर में, सबसे पहले लिखो रैशनल नंबर, आराम से बैठो। रैशनल नंबर लिख दिया, चलो समझते सुनना दे। रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों ने खुद बचपन में करा है कि नहीं करा है? ऐसा कि बेटा ये बताओ कि इसमें से कितना हिस्सा शेडेड है, तो कितना हिस्सा शेडेड है? वन। फ्रैक्शन फॉर्म में 1/4 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सबने सीखा ये, सबको आता है ये बात, तो यही तो है। और क्या है, ये जो नंबर है इसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो किसी भी नंबर को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन की, ठीक है। और फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं ना, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने ऊपर वाले को पी नाम दिया और नीचे वाले को क्यू नाम दिया, एक नाम दिया है बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, तो लिखो डेफिनेशन। The number which can be represented, the number which can be represented in P upon Q form. The number which can be represented in P upon Q form. लिख दिया ब्रैकेट में ऐसे, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, साफ सीधी बात। तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ 3/5 क्या रैशनल होगा? फ्रैक्शन में है, क्या नीचे वाला जीरो है? नहीं है, तो बिल्कुल रैशनल होगा। बस कंडीशन क्या है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5/3 क्या ये होगा? क्योंकि नीचे वाला जीरो नहीं है। जब तक नीचे वाला जीरो नहीं होगा तब तक रैशनल होता रहेगा, ये भी रैशनल होगा। मैंने लिखा 4/0 क्या ये रैशनल होगा? नहीं, क्योंकि नीचे क्या आ गया? जीरो, रैशनल नहीं आया या नहीं आया। पहली चीज समझ में आ गई, ढंग से समझ में आ गया कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। एक और चीज होती है वो ये है, ये भी लिख देना, ऐसे लिखना, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के इसके नीचे लिखो, नोट डाल के, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। पी और क्यू व्हाट्सएप लैंग्वेज आती है ना, है ना, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखना है, ठीक है, बढ़िया वाली। हिंदी तो लिखोगे नहीं, शुद्ध हिंदी तो तुम्हें भी नहीं आती। लिखो पी और क्यू का सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए, पी और क्यू का सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखो, के का ऐसे लिखते ना, के का, पी और क्यू का सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए, लिखते भाई लोग। अब ये क्या है भाई साहब, ये कौन सी नौटंकी मचा दी उन्होंने, अब समझ में आएगा नहीं, ध्यान सुनना। मैंने कहा 5/10 है और एक लिखा 3/10, इसमें से कौन सा सिंप्लीफाई हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, सोचना है। क्यों हो सकता है? एक तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है। ये जो लिखाया इसको अच्छे से हाईलाइट करके और बक्से में बंद करो, बॉक्स आउट करो इसको, जो ये लिखाया, लिखा है ना पी और क्यू, इसको बक्से में बंद करो, ठीक है।
यहां तक समझने में कोई परेशानी बताओ? सेम है दोनों, दोनों सेम ही होते, कोई अलग नहीं होता। हाँ, अब रेशन नाम चेंज है बस, ठीक है। अगर कोई बच्चा घर में घूमता है तो उसका नाम कुछ और होता है, स्कूल में जाता है नाम कुछ और हो जाता है, ऐसा ही है बस, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस याद है, यहाँ तक सही है। अच्छा, अगला लिखो इरेशनल नंबर। एक और आया इरेशनल नंबर, ये स्पेलिंग लिखी है ना, इरेशनल नंबर। हाँ जी भाई लोगों, इरेशनल क्या होता है? जो रैशनल नहीं होंगे। मैंने कहा बुरा कौन है? तो जो अच्छा नहीं है, साफ सीधी बात, वैसी बात है, ठीक है। दोस्त कौन है? जो दुश्मन नहीं है। तो इरेशनल कौन है? जो रैशनल नहीं है। तो लिखो द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है, रैशनल कौन था? अच्छा, रैशनल की डेफिनेशन क्या बताई थी? जिनको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा नहीं है, लिख इसका उल्टा क्या होगा? जिनको p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल होंगे। तो वो एक और डेफिनेशन लिख दो, इरेशनल की डेफिनेशन लिखो, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन p अपॉन q फॉर्म, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन p अपॉन q फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, जा सकता। यहां तक सही है। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसके लिए थोड़ा वेट करना, ठीक है, मैं बताऊंगा टाइम आने पे। अगले हैंड डालो नेचुरल नंबर, सॉरी अगले हैंड डालो पहले इंटीजर। इंटीजर, अच्छा इंटीजर कौन होते हैं? और अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो -0.5 इंटीजर होता है? अच्छा 3.5 इंटीजर होता है? इंटीजर क्या होते हैं? बात तो सही है कि नेगेटिव भी होते, पॉजिटिव होते, कोई डाउट नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला है। पर एक और चीज होती है जो आपने मिस कर दी, वो ये होता है कि इंटीजर ऐसे नंबर को बोला जाता है कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक काम करो, मुझे 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दिए जा सकते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2.5 रुपये दे दो, वो अलग बात है, तुम पैसे दोगे, वो अलग चीज, उसको काउंट नहीं कर रहे। क्या किसी को 2.5 रुपये दे सकते हो कभी? नॉट पॉसिबल, नहीं दे सकते ना, ठीक है। चलो ये भी छोड़ो, मैंने तुम्हें कहा धन्यवाद, छोड़ो, मैंने तुम्हें बोला ये बताओ क्या आपको बोला कि ऐसे नंबर जो कंप्लीट होते हैं, क्या होता है कंप्लीट। मैंने आपसे पूछा 2 और 1 मैंने लिया 3.5, इसमें से कौन सा कंप्लीट है और कौन सा इनकम्प्लीट है समझना है।
तो क्या बताओ, टीचर कभी आपको दो डंडे मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है। क्या कोई टीचर 3.5 डंडे मार सकता है? कभी नहीं मार सकता। तो भाई साहब ये नंबर होता है कंप्लीट, ये होता है इनकम्प्लीट। समझ में आया नहीं आया? कंप्लीट मतलब जो परफेक्ट है ना, कंप्लीट है, जिसके लिए हम लड़ सकते हैं भाई, तो कंप्लीट है। सबसे बड़ा क्या, ये इनकम्प्लीट है। मैं बोलूं 3.5 डंडे बनाओ, क्या बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। तो वो नंबर इनकम्प्लीट होता है। तो इंटीजर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? जो कंप्लीट होते हैं। क्लियर हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ 1.4 इंटीजर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये बताओ 5 होगा क्या इंटीजर? आपने बोला होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कंप्लीट है। अच्छा -5 होगा? हाँ। नेगेटिव है क्या? हो नेगेटिव में होते हैं इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बात है? कुछ पूछना मैडम? पक्की बात? शोध मत दो, अगर कुछ पूछना पूछ ले, अगर डरना नहीं है। मैं चिल आउट कर लिया। तो लिखो डेफिनेशन, लिखो इंटीजर की। द नंबर्स विच आर कंप्लीट, द नंबर्स विच आर कंप्लीट, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, हाँ हाँ, विच आर कंप्लीट, विच आर कंप्लीट आर कॉल्ड इंटीजर्स, आर कॉल्ड इंटीजर। क्या बोलते हो उन्हें? इंटीजर। सही है। अच्छा, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हो और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो नीचे एक और लाइन लिख दो, इंटीजर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंटीजर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। क्या कोई दिक्कत? पक्की बात? दिक्कत तो नहीं आज मुझे नहीं आया, या आगे समझे? आई, वेरी गुड, समझदार बच्चे तुम। अच्छा अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा, बताओ कोई नेगेटिव इंटीजर बताओ मुझे। सबको पता है, सब तेज लोग हो तुम, सबको आते हैं इंटीजर। अच्छा तो जीरो इंटीजर होता है क्या? होता है, जीरो इंटीजर होता है, जीरो होता है इंटीजर। ठीक है, होता 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 है, ठीक। अच्छा नंबर लाइन में इंटीजर ही तो दिखते हैं, जो लेफ्ट साइड होती है वहां नेगेटिव होते हैं, राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, बीच में जीरो होता है, सबको पता है। क्लियर कट बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटीजर समझ में आ गया हमें, अच्छे से समझ में आ गया इंटीजर, है ना। अगले हेडिंग डालो होल नंबर्स, सॉरी जीरो था इंटीजर। कैसा इंटीजर होता है? उसको हम जनरली पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं, उसका कोई साइन नहीं होता जीरो का, जीरो का कोई साइन नहीं होता, कंप्लीट है जीरो, माना जाता है कि जीरो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, मानते हैं कि टीचर बोलेगा मैं तेरे को जीरो डंडे मारूंगा, तो नहीं मारेगा, कर सकता है ना टीचर वैसे। तो लिखो क्या लिखा था, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? बचपन में पढ़ा है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अच्छा तो 1.5 भी होगा होल नंबर? होगा नहीं होगा, कंप्लीट भी होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए और जीरो से स्टार्ट होते हैं, दो डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए और जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा जो 1.5 था वो जीरो से तो आगे ही था लेकिन कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट भी होना चाहिए और जीरो के आगे होना चाहिए। तो लिखो डेफिनेशन, द नंबर्स विच आर कंप्लीट, द नंबर्स, लिखो लिखो द होल नंबर हेडिंग, होल नंबर हेडिंग थी इसमें लिखना था द नंबर्स विच आर कंप्लीट, जो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, स्टार्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम कहां से, जीरो।
स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सही है यहाँ तक, कोई परेशानी? अच्छा जरा एग्जांपल बताओ कोई होल नंबर का फिर फटाफट, 6, 5, 8, 10 बहुत सारे, कंप्लीट होना चाहिए बस, ठीक है। माइनस 11 हुआ क्या? नहीं, क्योंकि जीरो के बाद का होना चाहिए ना, ये तो बोला था। अच्छा क्या 4.5 होगा? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। तो समझ में आ गया इतना। अगला लिखो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये भी सेम है, कंप्लीट होना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से, ये वन से स्टार्ट होते हैं। बहुत बढ़िया, लिखो नेचुरल नंबर। द नंबर्स विच आर कंप्लीट, द नंबर्स विच आर कंप्लीट एंड स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन, स्टार्ट्स फ्रॉम वन। अगला बोले, अगला लिखो प्राइम नंबर। पढ़े हो कभी प्राइम नंबर? क्या होता है प्राइम नंबर? और नहीं, और जब भी डबल आता है 11 नहीं, प्राइम नंबर होते क्या है डेफिनेशन? अच्छा, जो अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5 बिल्कुल सही बात है। तो वन प्राइम होगा या नहीं होगा, वन के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, वन प्राइम होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं? हाँ या क्या, आराम से सोचो। और वन के टेबल में भी आता है, वन प्राइम नहीं होता। अभी बताएंगे क्यों, रीजन लिखेंगे अभी, टेंशन मतलब। पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, ध्यान सुनना। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, सिर्फ दो, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक। डेफिनेशन भी प्यार से लिखेंगे, लिखो हिंदी में लिखाओ इंग्लिश में लिखाओ, इंग्लिश हिंदी क्या, इंग्लिश में लिखो द नंबर्स, हिंदी में भी लिख लो ना, क्या हुआ, द नंबर्स, हेडिंग है प्राइम नंबर, इसमें लिखना द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिनके कितने फैक्टर्स है, तो कहीं मैंने लिखा दो से ज्यादा दो से कुछ लिखा है, सीधा क्या लिखा, एग्जैक्टली दो, सिर्फ दो, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी तो बता दो, फैक्टर्स मतलब जिनकी टेबल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला 10 के फैक्टर कौन कौन है, मतलब 10 किस किस की टेबल में आता है, वन की, पहले वन सबसे छोटे नंबर से, वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है और 10 की टेबल में आता है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, तो यह प्राइम होगा, प्राइम होगा, प्राइम के लिए क्या बोला था, सिर्फ दो होने चाहिए, इसके कितने हो गए, 4, तो प्राइम नहीं होगा। प्राइम के लिए क्या बोला है, जिसके दो फैक्टर, सिर्फ दो। अच्छा एक मैंने लिया 15 किस किसके टेबल में आता है, 1, 3, 5, 15 इसके भी कितने हो गए, 4, तो ये क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। अच्छा 25 ये किस किसके टेबल में आता है, 1, 5 और अपने टेबल में बताता होगा, इसके कितने फैक्टर हो गए, 3, तो ये प्राइम होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कितने चाहिए हमें, सिर्फ दो। अच्छा अब मैंने लिखा एक नंबर, हम लिखते हैं 13 किस किसके टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और किसी टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके दो फैक्टर है, कोई परेशानी इसमें, पक्का ना, तो ये प्राइम नंबर होगा। अब समझ आ गया प्राइम कौन है कौन नहीं। अच्छा ऐसे हमने बात करी 2 के बारे में, 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है 2, हाँ, और 2 की टेबल में आता है, कितने फैक्टर है इसके, 2, तो ये प्राइम होगा, होगा क्या, 1 होगा प्राइम, 1 किसके टेबल में आता है,
अपने ही टेबल में आता है। इसके कितने फैक्टर हुए? एक ही तो फैक्टर है, तो क्या प्राइम नंबर होना चाहिए? नहीं, प्राइम नंबर के लिए क्या बोला था? दो फैक्टर, एग्जैक्टली दो, सिर्फ दो। लेकिन इसके कितने फैक्टर है? एक, इसलिए प्राइम नहीं होता। अब समझी प्राइम होता है या नहीं होता? सिर्फ इतना बोला बेटा, कितने फैक्टर होने चाहिए? दो फैक्टर। इसके कितने फैक्टर है वन के? एक ही, अपनी डबल में तो आ रहा, तो वन ही तो वो खुद है। नहीं, ऐसा होता है ना, मैंने आपसे पूछा कौन कौन फैक्टर है, मतलब ये किसके टेबल में आता है वन, तो वन की टेबल में ही तो आता है, और किसी की टेबल में आता है कभी वन? नहीं आता। तो इसलिए सिर्फ एक ही फैक्टर है। जैसे टू है, टू किस किसके टेबल में? वन की टेबल में आता है और टू की टेबल में भी आता है, तो इसके दो फैक्टर्स होगा, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं, कोई दिक्कत भाई लोगों? सिंपल बात है, पूरी कहानी समझ में आ गया, ठीक है? याद रखना कि वन प्राइम नहीं होता है, ठीक है? वन प्राइम नहीं होता, ठीक है? याद भी रखना, बोलना नहीं, लिख भी दो, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन जो है प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है ना? नहीं, नहीं। याद भी रखना, क्योंकि क्या होता है ना, आगे जाके हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें काम आएगी ये चीज कहीं ना कहीं, ठीक है? वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगले बढ़े, आगे इंग्लिश पे बढ़े, नेक्स्ट लिखे हेडिंग। प्राइम नंबर के बाद अगले हेडिंग लिखे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर बताइए, सुना है कंपोजिट नंबर? अच्छा, सबसे सॉरी एक पीछे सवाल छूट गया, बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू। और पूरे प्राइम नंबर में से टू ही एक लौता ऐसा है जो इवन भी है, बाकी कोई भी नंबर प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन होगा। टू के बाद कौन सा इवन नंबर आता है बताओ? फोर आता है, फोर लेकिन प्राइम नहीं होगा, करके देख लेना। टू ही एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है, और सबसे छोटा भी है। समझ में आ गया? तो लिख देना वहीं, कहीं जगह बची हो, कॉपी के ऊपर हो, कहीं लिखो, जगह बची हो लिख दो। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, लिख दी पहले लाइन। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज लिखनी है, क्या लिखो? टू इज, टू के बारे में, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दोबारा बोलू, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है? कुछ दिक्कत यहां तक? एक बार फटाफट रिवाइज करो, फिर कंपोजिट नंबर लिखा देंगे लास्ट में, आराम से पढ़ो, कुछ सी समझ में नहीं पूछो, पूछो पूछो पूछो। आराम से पढ़ो, नाम से करो, नाम से कुछ पूछना है पूछो। आ गया, ओके सर, नाराज क्यों हो गए? हो गया, डर तो नहीं लग रहा? आ रहा है समझ में? आराम आराम समझ ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ समझ में ना आए पूछो यार, आराम से पूछ, डर मत। क्या हुआ, ऐसी टेंशन में काहे हो रही? क्यों, कुछ ही समझ में नहीं आई? आ गया नहीं? आ गया नहीं? आ रही, आ रही। अच्छा, तुम्हें से किसको लगता है जिसका माइंड स्लो है?
समझने में इसको टाइम लगता है, चीजें है कोई देखो लगता है ऐसा ऐसा नहीं किसी को है इसको लगता है कि उसका माइंड थोड़ा धीरे चलता है कोई नहीं तेज जाओगे तुम टेंशन मत लो तुम्हारे अंदर हम इंजन लगाएंगे पानी पी ले यार ऐसे डरा मत कर पाए पीना है आराम से बोला तो कल से बिस्तर लेके आना आराम से लेट जाना पीछे पढ़ते रहो बस जब तुम चाहो अभी आएंगे आ जाएंगे अच्छी बात टेंथ में देखा नहीं वो भीड़ अभी निकले तो इतने सारे क्या आगे मतलब अरे वो ऐसी है कुछ नाइन्थ के हैं वो बहुत सारे सब हैं अच्छा कौन है बहुत सारे अच्छे बहुत सारे तुम्हारे स्कूल के दो तीन तो अच्छे वो भी वो अच्छे हैं पीयूष भट्ट हो गया सूर्यांश हो गया वो अच्छा पढ़ने में और भी है अच्छा। बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे तो बहुत सारे हैं अरे नाइन्थ में 100% रिजल्ट है कोई फेल नहीं हुआ भाई मैं तो खुद चकित हूँ सब पास हो गए कैसे हो गए सबके सब पास अच्छे मार्क्स से वो भी कोई डाउट नहीं है चलो बढ़िया है यहाँ तक समझ कंपोजिट नंबर लिखे फटाफट लिखो कंपोजिट नंबर में लिखो कंपोजिट नंबर में लिखो द नंबर्स विच हैव द नंबर्स विच हैव more than two factors the numbers which have more than two factors ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं दो से ज्यादा होने चाहिए ठीक है इनमें से कौन सा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर 10 है 15 है 25 है तो ये सब कंपोजिट होंगे कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ गया एग्जाम्पल लिखो इसमें से जो अच्छा लग रहा है वो लिख लो इसमें से जो अच्छा लग रहा है वो लिख लो आराम से कौन सा अच्छा लग रहा कोई भी एक लिख लो क्या दिक्कत है अगला इसी के नीचे एक नोट डालो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा ये बताओ बहुत बढ़िया और वन कैसे होगा बेटा वन के तो एक ही फैक्टर है ना हमने क्या लिखा है दो से ज्यादा होने चाहिए ना टू भी नहीं हो सकता क्योंकि टू के तो दो ही फैक्टर थे फोर ही है तो आंसर क्या है फोर फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर क्या है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है इसमें से कोई बात जो दिक्कत करी आज अरे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ गया पूरा अच्छे से बढ़िया ये था तुम्हारा बेसिक है ना टाइप्स ऑफ नंबर हमने पढ़ लिए अच्छे समझ में आए बहुत अच्छे से या अच्छे से बहुत अच्छे से ठीक है इसको घर में रिवाइज करके आना ठीक है अगली हेडिंग डालनी है काम स्टार्ट करते हो हेडिंग है फाइंड हाउ टू फाइंड हेडिंग है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर ये है ठीक है ना ये हेडिंग है और मेरी बात ध्यान रखना है इससे एक सवाल आता ही आता है पेपर में ठीक है आराम से बहुत ईजी टॉपिक है आ जाएगा आंसर चलो सवाल लिखे सवाल समझेंगे कुछ आप लोगों ने पहले भी करा होगा तो वो भी तरीका देख लेंगे ठीक है ये ठीक है मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो सबको आएगा और बहुत ही जिससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे ठीक है स्पीड की गारंटी मैं लेता हूँ लिखो सवाल फाइंड सवाल लिखो फाइंड थ्री रैशनल नंबर स्टार्ट बेसिक से करते हैं अभी हम दो तीन चार निकालेंगे कम कम निकालेंगे फिर एक बार अभी मैं 100 रैशनल नंबर निकालना भी सिखाऊंगा ठीक है सब सिखाऊंगा फाइंड थ्री रैशनल नंबर between between seven by three
एंड 3/5 बिटवीन 7/3 एंड 3/5 क्या निकालने इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने ना कितने रेशनल नंबर निकालने 3 ये सवाल आ गया मान लेते ठीक है कैसे करना है क्या करना है तरीका दूंगा आराम आराम समझना ठीक है तमीज से सबसे पहले एक काम करना है गाइस वो ये देखना है क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर अभी सेम है हाँ या ना बस इतना होता है सेम है नहीं है तो पहला काम है उनको सेम बनाना है क्या बनाना है सेम सेम निकालने के लिए जो तरीका हम लगाने वाले वो ये है बेटा कि आपको दोनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम को किसका 3 और 5 का किस किसका एलसीएम निकालना है 3 और 5 एलसीएम निकालना आता है कितना आएगा दोनों का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15 चलो तेज हो तो मैं ऐसी बात स्टेप 2 स्टेप 1 समझ में आ गया एलसीएम निकाल दिया अच्छा इसको 15 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे बताओ 5 से तो अगर नीचे 5 से करो तो ऊपर भी तो 5 से करोगे कितना हो जाएगा 7/5 = 35/15 एंड दूसरा नंबर क्या है इसको किससे इंटू करोगे 3 से करेंगे ना 15 बनाने के लिए नीचे 15 तो क्या आएगा 9/15 यहां तक कोई दिक्कत नीचे सेम हो गया स्टेप 3 अब ये देखना है नीचे तो 15 हो गया ऊपर कितना लिखा है 9 यहां कितना लिखा है 35 क्या इनके बीच में 3 नंबर आ सकते हैं 9 और 35 के बीच में 3 नंबर आते हैं कोई नहीं कौन कौन से 9 और 35 के बीच में सोचो कोई नंबर आता है 9 10 आता है 11 आता है 12 आता है बहुत सारे आते हैं हमें सिर्फ 3 लिखने लिख सकते हो 3 आते हैं या नहीं आते हैं हाँ नंबर आते हैं ना तो बिल्कुल काम हो गया 10 कैसे लिखेंगे 3 नंबर्स आर कितने नंबर लिखने हमने 3 तो 3 नंबर्स आर कौन कौन से होंगे 10 11 12 होंगे इनके बीच में आएंगे और नीचे 15 15 15 ये हो गया आंसर एक बार दोबारा समझेंगे पहला काम क्या बताया एलसीएम क्यों लिया एलसीएम ताकि नीचे के नंबर सेम हो जाए अगर ये पहले से ही 5 और 5 होते क्या मैं एलसीएम लेता कभी नहीं लेता समझ में आया तो स्टेप 1 क्यों करा ताकि बेस सेम हो जाए तो एलसीएम लिया उसके बाद इसको 15 बनाने के लिए 5 से इंटू करा तो ऊपर ही 5 से करा यहां 3 से करा तो ऊपर भी 3 से करा अब मैंने देखा कि बेस तो सेम हो गए यहां कितना है 9 यहां कितना है 35 क्या इनके पीछे 3 नंबर आते थे लिख दिए वो 3 नंबर कोई भी 3 लिख सकते हो आप मेरा मन था मैं 15/15 लिख देता कुछ भी लिख सकता था 3 नंबर होने चाहिए बस कितने होने चाहिए 3 कोई परेशानी नहीं आया आया या नहीं आया अभी और आएगा नोट करो पहले आराम से नोट करो डन्ना नहीं बस आराम से लिखते रहो अब मन में सवाल आ रहा होगा अगर 3 नंबर नहीं आते तो क्या करते ऐसा भी तो होगा उसका भी तरीका बताएंगे लिखो लिखो उसका भी तरीका बताएंगे धीरे धीरे हम भी यही है तुम भी यही कोई नहीं भाग रहा भी और 7th में लास्ट है ना 7th में लास्ट था 8th में फर्स्ट था थकान लग गया रहा है ठीक है ठीक ठीक है आ गया गाइस अच्छे समझ में आ गया नहीं है हो चलो ठीक है चलो अगला सवाल लिखेंगे एक और सवाल करते हैं फाइंड सवाल लिखो फाइंड 5 रेशनल नंबर फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने 5 ठीक है
अब क्या लग रहा है इसका तो डोमिनेटर नहीं, अभी तो ये लग रहा होगा ना। अच्छा बिल्कुल सही बात है, जिसका कोई डोमिनेटर नहीं होता उसका कौन होता है बात, क्योंकि हमने सबका मालिक एक है ना भाई साहब, से हम सीधा वन वन चढ़ा दे, जिसका कोई नहीं उसका एक, कोई ना कोई तो होता ही है। अगली बात ये बताओ क्या एलसीएम लेने की जरूरत है यहाँ, क्यों? क्योंकि ये तो पहले से क्या है सेम है, तो स्टेप वन की कोई जरूरत है नहीं। तो स्टेप वन हमने अब जो बना दिया वो ये बना दिया कि एलसीएम की जरूरत नहीं है, तब क्या करना है ध्यान दो। तो ये सोचो क्या टू और थ्री के बीच में तुम पांच नंबर लिख सकते हो, यही तो सोचते थे आगे हम, क्या दो और तीन के बीच में पांच नंबर आएगा, कोई आ सकता है दो और तीन के बीच में कोई पांच नंबर? नहीं आता। तो क्या करना है अब सुनना ध्यान से, फिर एक लाइन लिखनी है, वी नीड टू फाइंड, कितने रेशनल नंबर निकालने हमें, फाइव, जब रेशनल नंबर ना निकले वी नीड टू फाइंड फाइव रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर निकालने, पांच। तो सिंपल है, जितने रेशनल नंबर निकालने उतना, फाइव प्लस वन, जितने निकालने उससे एक ज्यादा जोड़ना है वो लिखना है। जैसे हमें कितने निकालने थे, पांच, तो हमने क्या जोड़ा, फाइव प्लस वन। अगर हमें दस निकालने होते तो क्या लिखते, टेन प्लस वन। अगर हमें पचास निकालना, पचास प्लस वन, जितने निकालने उतने लिखने, कोई दिक्कत तो नहीं, उतना प्लस वन, तो कितने हो गए, फाइव प्लस वन कितना हो गया, सिक्स। कुछ नहीं करना, स्टेप टू में ऊपर वाले को भी उतने ही से इंटू, नीचे वाले को भी उतने से इंटू जो है, ठीक है, ऐसे यहाँ भी किससे इंटू, सिक्स से, और नीचे भी सिक्स से, कितना आएगा जरा बताओ, ये कितना आएगा, ट्वेल्व अपॉन सिक्स, ये कितना आएगा, एटीन अपॉन सिक्स। अब सोचो क्या इनके बीच में पांच नंबर आते हैं, 12 से 18 काउंट करो, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13, 14, 15, 16, 17, आ गए पांच नंबर, तो लिख देना है, रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन से बताया आपने, खुद बोला बताओ, 14, 15, 16, 17, एक छूट गया ना, 13, वही तो गए, और अपॉन में सबके क्या आएगा, 6, क्योंकि 6 पे ही तो है, बस ये आंसर आ गया, कोई परेशानी, नोट करो ठीक, अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने। नहीं जरूरत नहीं, कट नहीं करनी, कट करके फालतू स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे सवाल में, जैसे यहाँ पे 12 फॉर एग्जांपल 14 अपॉन 6 है, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट अलग होगा, ठीक है, गुड बाय। वापस कुछ नहीं, वापस ये कह रहा था अगर 12 अपॉन 6 को ही काट दोगे तो वापस 2 में नहीं चल जाओगे, इसलिए कह रहा था। एक और सवाल लिखे हैं, अच्छा बताओ क्या करना है, मैथ्स एक दिन मैथ्स करें एक दिन साइंस करें, या कैसे चाहते हो कि पहले एक चैप्टर मैथ्स का कर ले पूरा ढंग से फिर साइंस का करें, कैसे चाहते हो तुम बताओ, तो कैसे पढ़ा लूँ, पहले एक मैथ्स का अच्छे से निपटा लेते हैं फिर साइंस करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उससे ये होगा ना कि हमारे पास कंटिन्यूटी रहेगी, फायदा होगा तुम्हें भी, बाकी कुछ नहीं, बाकी टेंशन मत लो। समझ में आ रहा कुछ, कुछ आ रहा समझ में, कुछ सब 10% भी समझ में आ रहा तो बहुत है अभी, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे साथ रहकर, मैं सिखा ही दूंगा, मैं बहुत हरामी इंसान हूँ, कॉपी देने के, चल सवाल करते हैं, मैं सिर्फ सवाल कराने के लिए किताब उठाऊंगा, बाकी किताब नहीं उठानी, बाकी बुक का मेरे से कोई लेना देना नहीं, ठीक, तुम ही लोग करोगे सब कुछ, चलो एक सवाल करके दिखाओगे मुझे, है ना, ये किसकी बुक है, ये वाली किसकी, तेरी है, नहीं नहीं तेरी है ना, इसमें कटिंग करी थी। लिखो सवाल, फाइंड फाइव रेशनल नंबर, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन, ये लिखा हुआ बिटवीन ये, थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव, कितने रेशनल नंबर निकालने, फाइव, है ना, आराम से करो, टेंशन नहीं लेनी,
लगा लो दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ, बढ़िया तेज बच्चे तुम, लगा लो। क्या हुआ, क्यों निकले बेटा, तो बीच में नहीं आ रहे होंगे ना, तो फिर क्या बताया था, वी नीड टू फाइंड वाइल्ड लाइन ना, होली को सब है तुम्हारे पास, आराम से करो। देखिए अरे गलत करोगे अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, सही तो हर कोई कर लेता है, गलत करके दिखाओ, अटेम्प्ट तो करो एटलीस्ट। मन में गाली तो नहीं दे रहे मुझे कि खेलने का टाइम बिगाड़ दिया हमारा। कोई देते था तुम वैसे गाली, खेलने जाते थे इस टाइम पे, ट्यूशन कौन बुलाता है, वेरी गुड। क्या क्या है बेटा, 18/30 और 24/30, वेरी गुड, पांच लिख दिया ना, बस पांच आ गए ना, ठीक लिखो लिखो लिखो, आ गए, क्या क्या है बेटा, हाँ बोल बोल, 30 वही ये पक्का ये है ना सबका, 19/30 ये है ना, 20/30, वेरी गुड, आ गया समझ में, ठीक लो आज तुमने पहला सवाल भी कर दिया एनसीईआरटी का, वेरी गुड, अभी कोई एक दिन में नहीं पढ़ा ढंग से, आज ही पढ़ा जो पढ़ा ना, समझ में आया इतना, हो जाएंगे ऐसे सवाल, चलो फिर मेरी इच्छा पे एक सवाल करके दिखाओ मुझे, लिखो फाइंड फाइंड लिखो फाइंड 7 rational number, फाइंड 7 rational number between ये लिखा हुआ है, हाँ ऑल रेशनल नंबर बताऊंगा अभी क्यों होते हैं, 2 मिनट हो गया, बस ये लिख दो पहले, स्कूल में यही सब पढ़ा आज, आज कुछ नहीं, आज मैथ्स में कुछ नहीं हुआ, राकेश सर पढ़ा रहे तुम्हें, चलो बढ़िया किस्मत है तुम्हारी, भगवान से दुआ करना वही पढ़ाए, अच्छा पढ़ाते सर, और साइंस कौन पढ़ा रहा, हाँ कैसे पढ़ा रहे सर, तो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ा, बढ़िया है बढ़िया, हो गया कितना कितना है, करो करो लड़ना नहीं है, अपना अपना आंसर निकालो, डरना नहीं है, बस गलत सही तो बात की बात है, ठीक है चलो देखते हैं, हाँ आ जाओ अब मेरी बारी, ठीक ये बताओ क्या पहले नीचे सेम है दोनों, नहीं तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, हाँ जी शगुन जी, एलसीएम क्या आएगा, 5 और 7 का एलसीएम कितना आता बेटा, 35, तो एलसीएम ऑफ 5 और 7 35, अब मैंने आपको पूछा कि इसको 35 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे, तो क्या बताओगे आप मुझे, -3/5 को, तो 7 से ऊपर भी 7 से, सही है, सिमिलरली हाँ -3/7 तो किससे इंटू होगा, 5 से, और यहाँ भी 5 से, तो ये हो गया था -21/35, और ये कितना हो गया था, -15/30, अब क्या प्रॉब्लम हुई ये बताओ, तो 15 और 21 के बीच में आपको 7 नंबर चाहिए, क्या 7 नंबर आ पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, नहीं आ रहे ना 7 नंबर, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 पांच ही आ पा रहे, हमें कितने चाहिए, 7, परेशानी हो गई, तो हमने क्या लिखी फिर अपनी मैजिकल लाइन जो हमने सीखी, क्या लिखा था, वी नीड टू फाइंड क्या, कितने नंबर, 5, 7 निकालो, सॉरी वी नीड टू फाइंड 7 rational number, अगर 7 निकालने हैं तो क्या करते थे, 7+1=8, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 7+1=8, ठीक है, तो ऊपर भी 8 से इंटू कर दिया,
और नीचे भी किससे इंटू कर दिया, 8 से। ऐसे यहां पर भी ऊपर भी 8 से इंटू करा, नीचे भी 8 से। चलो अब इंटू करके बताओ कितना आता है, 21 8 से कितना होता बेटा, 168। तो ये आ गया माइनस का 168 अपॉन 35 8 से कितना होता है, करना 35 इंटू 8 करो, इंटू करना आता है ना, 280 आएगा। इसमें कितना आएगा ऊपर माइनस का, 15 एट जा कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। इनटू करना सीखो, अपॉन 35 एट जा, अभी करा था 280। अब इनके बीच में क्या आते हैं सात नंबर, ये सोचना है। 120 से लेकर 168 तक तुम्हारे पास चॉइस है, तो 120 के बाद कौन सा नंबर आता है, 121 अपॉन 160, सही है। और 121 के बाद कौन सा आता है, 122। हमारे पास कहां तक जा सकते हैं, 168 तक, ठीक है। नीचे सॉरी नीचे 240 आया, 280 आया, सॉरी सॉरी। अच्छा यही देख रहे थे तुम, अच्छा। और माइनस का 123 अपॉन 280, और माइनस का 124 अपॉन 280, और कोई होते माइनस 125 अपॉन 280, माइनस 126 अपॉन 280, माइनस 127 अपॉन 280। क्या कोई परेशानी समझ में आया, बोलो। जरूरी नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, आपका मन ऐसा ना करे आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 145 लिख लेते, उनके बीच में आना चाहिए बस, ठीक है ना, बाकी कोई लॉजिक नहीं। आया नहीं आया समझ में बताओ, आया बढ़िया, अगर आ गया समझ में, अभी एक दो हफ्ते बाद रुक जाओ तो मेरे फैन बन जाओगे, फैन एक हफ्ते बाद तो तुम, अरे भैया यही तो आया और क्या आया, एक हफ्ते रुक जाओ बस। ऐसा तो नहीं था आज ट्यूशन आने का मन तो नहीं कर रहा था, ऐसा तो नहीं था कि नहीं जा रहा मैं ट्यूशन, रोते रोते तो नहीं आए तुम लोग, मन नहीं कर रहा था जाने का, कर रहा था मन ट्यूशन आने का, करना चाहिए। कुछ दिन बाद तो तुम यहीं क्यों जाओगे, तुम्हें घर जाने का ही मन नहीं करेगा कुछ टाइम बाद, मैं नहीं जा रहा घर, मेरा मन नहीं कर रहा घर में, मजे आएंगे तुम्हें यहाँ कुछ टाइम बाद, बस पढ़ते रहो मेरे साथ साथ, जितना पढ़ाते जा रहे हो उसको रिवाइज करके आना बस, हाँ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइंड नोटबुक लाते हैं, है ना। और तुम्हारे साथ का कोई बच्चा बोल रहा था तो बता देना, ठीक है, फटाफट ज्वाइन करो, बोलो कोई भी होगा बता देना, बोला फॉर्म ले जाओ और जमा कर दो भर के, बस इतना गर्म कर दो। ठीक है, कुछ समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में अच्छे से, फिनिशिंग बढ़िया, ठीक है। अब देखो इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे कल से, ठीक है, एक सवाल जो घर के लिए दे रहा हूँ, तो सोचना इसको, लिखो सवाल, फाइंड, सवाल लिखो, फाइंड 100 रैशनल नंबर, फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन 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 7 upon 6 and 2 upon 5 और 2 upon 5 के बीच में क्या लिख के लाने, रेशनल नंबर, ट्राई करो घर में, ठीक है, सोचना इसको, नहीं होगा तो कल मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा तो हूं ही मैं, बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। कल हम इसके आगे जो पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, वो थोड़ा बहुत हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा जो बचा है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो वीडियो भेजी है, ठीक है, उसको चाहो तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो अभी, ठीक है, और समझ में आ जाएगा आराम से, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में होंगे वो कर भी लेना प्रैक्टिस, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइव क्लास अभी नहीं लगाऊंगा, एक दो दिन बाद लगाएंगे, क्यों, ताकि थोड़ा पढ़ भी लोगे ना, तो प्रैक्टिस करने में तो मजा आना चाहिए, क्या फायदा मैं एक ही टॉपिक के 10 क्वेश्चन कराऊं, कुछ फायदे के नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फिर हम वैरायटी क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो लाइव क्लास शायद आज तो कौन सा डे, मंडे है ना, सो वेनेसडे थर्सडे से करेंगे, ठीक है, आराम से टाइमिंग बढ़िया से अलॉट करेंगे, तो अभी घर में जाके इसी को रिवाइज करना, जो वीडियो भेजी है उसको पढ़ सकते हो, आज का टॉपिक रिवाइज कर लेना, उसमें जो सवाल कराए वो कर लेना, कोई दिक्कत, खुशी खुशी जाओ घर, ठीक है, दो मिनट रुक जाओ, उसको नोटबुक ला।